एवरीबॉडी, मैं ट्रिशा सक्रियास, माइकल्स माइटी किचन में सबका स्वागत। आज हम देखेगा न्यूट्रीपॉट में दही कैसे जमाता है। दही जमाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर बेस का पास्टराइज्ड फुल क्रीम मिल्क। पास्टराइज्ड मिल्क है इसलिए मैं एक बार और ये नहीं उबाल रहे, इसको मैं हल्का सा गर्म किया। देखिए जमाने के लिए ना ज्यादा गर्म चाहिए ना ठंडा चाहिए, आपका दूध होने चाहिए गुनगुना। इसका अलावा मैंने लिया है देखिए अभी 1 लीटर दूध के लिए मैं लूंगी 1 टेबलस्पून। देखिए ये मैं अच्छा से मिक्स करेगा, इसमें थोड़ा से दूध भी डालूंगी। अभी मैं ये दूध के साथ ये दही डाल रही हूँ। अच्छा से 2-3 मिनट मिक्स करना। ये दही भी अगर आप फ्रिज में रखा है तो कम से कम 15-20 मिनट बाहर रख के फिर जमाने के लिए यूज करना। अभी आपके पास सिल्वर फॉइल है तो सिल्वर फॉइल से इसको अच्छा से कवर करना, नहीं तो इसके लिए करेक्ट ढक्कन मिलेगा तो सिल्वर फॉइल लगाने का जरूरत नहीं है। अभी मैं न्यूट्रीपॉट खोल दिया, इसमें एक स्टैंड रख दिया, अभी इसमें 1 कप पानी डाल दिया। ये पानी भी लूकवार्म पानी है। अभी हमारा जमाने वाला दूध इसमें रख दिया। न्यूट्रीपॉट बंद कर दिया, ये ऑलरेडी सीलिंग मोड में है। ये देखिए जमाने के लिए सीलिंग मोड में रखो वेंडिंग मोड में रखो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं बनता है। मैंने न्यूट्रीपॉट ऑन कर दिया। ये वंडर शेफ का न्यूट्रीपॉट में यूज कर रहे हैं, इसमें हेल्थी कुकिंग नंबर एक ऑप्शन है, उसमें आप लोग 3 बार प्रेस करना। 3 बार प्रेस करने से ये स्लो कुक स्टीम ये दोनों छोड़ के योगर्ट में इसका इंडिकेशन लाइट आ जाएगा। आप देख सकते हैं योगर्ट में इंडिकेशन लाइट आ गया। अभी इसमें टाइम सेट किया हुआ है 8 आवर्स, लेकिन गर्मी में 6 घंटा में भी देखिए जमता है। आप लोग 6 घंटा में ये कैंसिल बटन दबा के देखिए निकाल के यूज कर सकता है। थोड़ी देर जरूर फ्रिज में रखना, उसके बाद आप लोग यूज कर सकता है, लेकिन एक्सट्रीम विंटर में सर्दी में है तो आप लोग 8 आवर्स देखी जमाने के लिए रखना। अभी हम मिलेगा 8 घंटे के बाद। 8 आवर्स हो गया, 8 आवर्स होने के बाद अगर हम लोग खाना बना रहे तो वो ऑटोमेटिकली वार्म मोड में चले जाता है, लेकिन देखी जमाने के बाद ऑटोमेटिकली इसका कैंसिल बटन में चले जाकर वो ऑलरेडी कैंसिल होकर पड़ा है। अभी हम एक खोल के देख लेते हमारा देखी कैसे जमा। ये सीटी थोड़ा ऊपर करेगा तो ये देख सकता है इसमें बिल्कुल स्टीम नहीं है, क्योंकि बहुत ही लो हीट में देखी हमारा बनता है। हमारा न्यूट्रीपॉट में बनाया हुआ देखी
इतना गाढ़ा है देखने के लिए, उसमें एक चम्मच खड़ा करना, चम्मच एकदम सीधा खड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब देखिए हमारा अच्छा थिक और गाढ़ा है, अगर गिर गया तो ज्यादा थिक नहीं हुआ। हमारा देगी एकदम परफेक्ट बन गया। अगर आप लोगों को 2 लीटर और उससे ज्यादा देगी जमाना चाहता है तो हमेशा ये इनर पॉट के अंदर बना सकता है। अगर पास्टराइज मिल्क नहीं है, मिल्कमैन से खरीदा हुआ दूध है तो वो दूध इस बर्तन में डाल के, इस इनर पॉट में डाल के, सोफे मोड में डाल के ये दूध को उबालना। उबालने के बाद एक ठंडा पानी वाला बर्तन में डाल के इसको ठंडा करना। जब यह दूध गुनगुना हो जाएगा उस टाइम उसमें दही डाल के इसको जमाना। जमाने का प्रोसीजर सेम जैसे इस दही हम जमाया सेम बेगम जमा सकता है। ये देखिए कितना गाढ़ा है, आप लोग देख सकता है। ये देखिए 1-2 घंटा फ्रिज में रखे ठंडा करना, उसके बाद इस्तेमाल करने से ये थोड़ा से और गाढ़ा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और एक वीडियो के साथ मैं फिर आ जाऊंगी। तब तक के लिए अलविदा।